इस वीडियो में हम नंबर्स के रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये नंबर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर इन दी क्वांटिटेटिव रीजनिंग पोर्शन। इस वीडियो में हम 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है बहुत ही आसान है, सेकंड एंड थर्ड पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 6, फाइंड द इंटीजर। अब ये MCQs टाइप क्वेश्चंस में आते हैं इन अ क्वांटिटेटिव रीजनिंग पोर्शन, बहुत ही आसान है, चंद सेकंड में आप इसे सॉल्व कर सकोगे। द सेकंड प्रॉब्लम इज द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 44, फाइंड द इंटीजर्स। द थर्ड क्वेश्चन इज, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सिंपल आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स सो दैट 4 टाइम्स द फर्स्ट इंटीजर्स इक्वल द सम ऑफ द अदर 2। तो यहाँ पर मैं लैपटॉप पर सॉल्व नहीं कर सकता, मैं पेजेस पर सॉल्व करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 6, फाइंड द इंटीजर्स। हमने फाइंड द इंटीजर्स जो है, हमने इंटीजर्स फाइंड करनी है जिसका सम जो है 6 के बराबर हो। मैं सपोज कर देता हूँ कि लेट द स्मॉलेस्ट इंटीजर जो है स्मॉलेस्ट वो है x। अब द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दैट। अब स्मॉलेस्ट ये है तो इसके साथ मैं एक ऐड करूँगा विच इज़ x प्लस 1, तो ये सेकंड नंबर होगा x प्लस 2, तो ये क्या होगा, तीसरा नंबर होगा। कितना नंबर है, 3, तो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर एंड ये थर्ड नंबर हमारे पास जो है इंटीजर्स आ गए। अब ये मांगता है कि द सम ऑफ 3, हमने सम फाइंड करनी है, तो मैं फाइंड कर देता हूँ द समेशन ऑफ दीज 3। ये हो गया फर्स्ट नंबर, अब ये वाला x प्लस 1, ये दूसरा नंबर एन प्लस x प्लस 2, ये तीसरा नंबर। समेशन किस चीज़ के बराबर है, 6 के, विच इज़ इक्वल टू 6। अब इसको आप सम कर दें विच इज़ 1x, 2x, 3x, 3x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 6, 3 को आप कॉमन ले लें विच इज़ x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 6, ये बन जाएगा x प्लस 1 इज़ इक्वल टू, ये 2 बन जाएगा, 3 पर डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। x की कीमत 1 आया लेकिन ये आंसर नहीं है। अब फर्स्ट नंबर हमारे पास आया, अब हमने सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर फाइंड करनी है, तो इसमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड पुट कर दो, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया एंड देन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। ये हमारे पास सेकंड नंबर है, ये हमारे पास थर्ड नंबर है, तो एक नंबर हमारे पास 1 आ गया, दूसरा 2 एंड तीसरा 3। अब इसकी समेशन आप कर लो तो ये 6 के बराबर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सवाल है, नीचे जाके हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 44। अब यहाँ पर 4 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 44, फाइंड द इंटीजर्स। अब हमने फाइंड करनी है द सम ऑफ 44 एंड द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो इवन नंबर हमारे पास क्या है, पहले तो मैं इज्यूम कर देता हूँ द स्मॉलेस्ट वन, लेट द स्मॉलेस्ट वन इज स्मॉलेस्ट इंटीजर इज एक्स। अब यहाँ पर हमसे मांगता है द कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो मैं एक्स के साथ 2 ऐड कर देता हूँ और फिर एक्स के साथ 4 ऐड कर देता हूँ, फिर एक्स के साथ 6 ऐड कर देता हूँ, तो ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा एंड ये चौथा। यहाँ पर क्या है, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव, यहाँ पर 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है और ये कंसेक्यूटिव इवन हमारे पास जो है 4 ही है। अब ये हो गया, हमने अभी इसको सम कर देना है विच इज़ x प्लस
एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर प्लस एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू 44. 1x, 2x, 3x, 4x प्लस 2n4, 6 6 12 इज इक्वल टू 44. अब इससे 4 कॉमन ले लें, विच इज़ x प्लस 3 बन जाएगा इज इक्वल टू 44. इसको आप 4 पर डिवाइड कर दे, इसको आप भी 4 पर डिवाइड कर दे, तो ये बन जाएगा 11 एंड ये बन जाएगा x प्लस 3. x प्लस 3 इज इक्वल टू 11. x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 विच इज x इज इक्वल टू ये क्या होगा 8. अब सबसे जो स्मॉलेस्ट वन है वो है 8. 8 के साथ आप 2 को 8 कर दें तो क्या बन जाएगा 10. दूसरा इंटीजर ये आ गया. 8 के साथ 4 ऐड कर दें विच इज़ 12. 8 के साथ 6 ऐड कर दें विच इज़ 14. 8, 10, 12, 14 नंबर्स हमारे पास आ गए. अब इसको 8 कर दें विच इज़ 10 इन 8 विच इज़ 18. 18 इन 30, 30 इन 14 दैट इज़ 44. आंसर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है. दिस इज़ वेरी ईजी. ये MCQs टाइप में आता है. द थर्ड MCQs इज, ये थर्ड वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है. फाइंड थ्री कंजिगेटिव ऑड इंटीजर्स सो दैट द फोर टाइम द फर्स्ट इंटीजर्स इक्वल द सम ऑफ द अदर टू. अब हमने पिछले वाला हमने एजम्पशन करनी है कि लेट द स्मॉलेस्ट वन इज, स्मॉलेस्ट मैंने कंसिडर किया कि x है इंटीजर. अब यहाँ पर है फाइंड थ्री कंजिगेटिव ऑड इंटीजर्स. मैं सिमिलरली कर देता हूँ कि x प्लस 2 इज़ द सेकंड नंबर एंड x प्लस 4 इज़ द थर्ड नंबर. थ्री कंजिगेटिव नंबर्स हो गई, लेकिन कंडीशन ये दिया हुआ है सो दैट फोर टाइम्स द फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू. इसके सम के बराबर जो है ये वाला जो है ये फोर टाइम है, तो मैं लिख देता हूँ 4x, क्योंकि ये हमारे पास एक कंडीशन है कि x जो है 4 टाइम बराबर है बाकी इन दो इंटीजर्स का, x प्लस 4. अब ये कैलकुलेशन कर दे एंड यू विल गेट द आंसर 4x, x एंड x 2x प्लस 6 और 4x इज इक्वल टू 2. आप कॉमन ले ले विच इज़ x प्लस 3 बन जाएगा एंड ये होगा 2x इज इक्वल टू x प्लस 3. आप x से 2x माइनस x इज इक्वल टू 3 एंड ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3. x की कीमत क्या आ गया 3 आ गया. अब x के साथ आप 2 को ऐड कर दो ये बन जाएगा 5. ओके, फिर 4 को ऐड कर दो ये बन जाएगा 7. अब आप उसे चेक कर दो कि आया जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है या नहीं होती. अब x जो है हमारे पास 3 है, x 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे विच इज़ 12 आ गया. इन 5 और 7 को आप प्लस कर दे क्या आता है 12 आता है कि नहीं आता, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गया सेटिस्फाइड हो गया. ये आप ऐसे माइंड में भी कर सकते हो ये क्वेश्चंस, और बहुत ही आसान होते हैं ये वाला क्वेश्चंस. एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चंस में बहुत बार रिपीट हो चुकी है ये क्वेश्चंस. तो फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. ले इस वीडियो को लाइक भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.